बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू दिस चैनल इकरा हुफाज एजुकेशन सिस्टम कराची। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 3। टुडे वी विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन विच आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस। दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अमल को मौसर, काबिल एतमाद और दुरुस्त बनाया जाता है जिससे मालूमात का तबादला आसान और मौसर हो जाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारा जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जो एक ज़रिया होता है वो आसान हो जाता है। वो किस तरीके से होता है, तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला वन बाय वन आपको मैं ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम किसी भी कम्युनिकेशन जो सिस्टम होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके अज्जा क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है वो है मैसेज। मैसेज उर्दू में कहते हैं पैगाम। इसका मकसद क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो मालूमात या मवाद जो भेजा जा रहा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या किसी और किस्म का डेटा। और इसमें लिखा हुआ भी है इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेट। ठीक, मैंने उर्दू में समझा दी आपको। ये कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो, ये तमाम क्या होते हैं, इसको कहते हैं मैसेज। जो हम डेटा किसी को भेजते हैं उसे हम कहते हैं मैसेज। ठीक है, वो मैसेज कितने किस्म का हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो। और अब इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट सेंडर। सेंडर का उर्दू में मतलब होता है भेजने वाला। भेजने वाला वो शख्स या डिवाइस होता है जो पैगाम की इब्तिदा करता है। भेजने वाले का मकसद पैगाम को मुनासिब तरीके से इनकोड करना। अब इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देते चलूँ। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप भेजने वाले होते हैं। जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आपकी आवाज़ भेजने वाले का ज़रिया होती है। किसी टीवी ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट स्टेशन भेजने वाला होता है। तो इस तरीके से जो भेजने वाला होता है उसे हम कहते हैं सेंडर। और ये दूसरा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। और इसमें लिखा हुआ भी है इट इज़ द डिवाइस दैट जनरेट एंड सेंड अ मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट। मतलब इसके ज़रिए हम अपना कोई भी मैसेज भेजते हैं। ठीक है, और अब इसी तरीके से तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो उसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर के उर्दू में मायने होते हैं हासिल करने वाला। हासिल करने वाला वो शख्स या डिवाइस होता है जो भेजे गए पैगाम को वसूल करता है और उसे मुनासिब फॉर्मेट में डिकोड करता है ताकि इसकी मालूमात को समझा जा सकें। हासिल करने वाले का मकसद भेजे गए पैगाम को वसूल करना, इसका तजज़िया करना और उसे ऐसे हालत में तब्दील करना होता है कि उसे समझा जा सके। इसका अहम काम ये यकीनी बनाना है कि पैगाम सही और मुकम्मल हालात में मौसूल हों। अब मैं कुछ मिसालें देते चलूँ। जब आप ईमेल चेक करते हैं तो आप हासिल करने वाले होते हैं। जब आप फ़ोन कॉल सुनते हैं तो आपकी सुनते हैं ठीक है, वो आप हासिल करने वाले होते हैं। ठीक है, टीवी देखते वक्त आपका टीवी हासिल करने वाला जो डिवाइस है उसके ज़रिए आप अपने जो लिसनिंग करते हो, सुनते हो टीवी के ज़रिए, वो आप क्या होते हो, रिसीवर। मतलब आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो। ठीक है, और अब इसी तरीके से मैंने इसमें लिखा हुआ भी ये है एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज। आपको मैंने कुछ मिसालें दी, फ़ोन कॉल्स हो गया, ठीक है, ईमेल वगैरह हो गई, इसके ज़रिए हम तमाम अपना डेटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज़ जनरली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंडिंग कंप्यूटर लाइक सेंडर। इट कैन ऑल्सो बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट वगैरह। मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं व्हाट्सएप से मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेंड करने वाला हूँ, उनके पास भी रिसीवर के पास भी वही टूल्स, वही आला होना चाहिए
कि उस पर उनको वो मैसेज मिल सके, मतलब वही वही प्रोटोकॉल उनके पास भी हो। जैसे कि मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ तो जो रिसीवर है उनके पास भी व्हाट्सएप का होना ज़रूरी है। अगर वो प्रोटोकॉल मतलब वो सॉफ्टवेयर ना हो, उनके पास ऐप ना हो, तो उनको वो मैसेज नहीं मिल सकता। तो सेंडर रिसीवर का दोनों का एक प्रोटोकॉल बिल्कुल एक ही जैसा होना चाहिए। और मैं प्रोटोकॉल अभी आपको मैं समझाता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। और अब इसी तरीके से चौथा जो कंपोनेंट है मीडियम, मीडियम का मतलब उर्दू में कहते हैं तरसीली ज़रिया, मतलब किस तरीके से हमारा मैसेज सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, किसके थ्रू एक से दूसरी जगह वो हमारा मैसेज पहुंच सके, उसके एक तरीक़ाकार होगा यकीनन, कोई एक पाथ होगा उसके ज़रिए एक मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंच पाए, ठीक है। मीडियम वो रास्ता या चैनल होता है जिसके ज़रिए पैगाम भेजने वाले से हासिल करने वाले तक पहुँचता है, ठीक है। ये फिज़िकल या नॉन फिज़िकल हो सकता है और इसके ज़रिए सिग्नल्स या डेटा सफ़र करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से इसके और भी कुछ मकासद होते हैं, मकसद हैं कि किस तरीके से मीडियम काम करता है, ठीक है। मीडियम का मकसद पैगाम को भेजने वाले से हासिल करने वाले तक पहुंचाना होता है। ये पैगाम को मुंतकिल करने का ज़रिया फराहम करता है ताकि डेटा दुरुस्त और मौसर तरीके से मुंतकिल हो सके। अब इसकी दो मिसालें होती हैं, एक फ़िज़िकल मीडियम होता है, एक नॉन फिज़िकल मीडियम होता है। फिज़िकल मीडियम में केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह तमाम जो वायर मीडिया कह सकते हैं हम, ठीक है। इसे हम कहते हैं फिज़िकल मीडियम, जो तार के ज़रिए कम्युनिकेशन हो, जो उसके ज़रिए एक मैसेज दूसरी जगह पहुँच पाए, उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल मीडियम। इसी तरीके से नॉन फिज़िकल मीडियम में वायरलेस सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स, सैटेलाइट लिंक्स, ये तमाम क्या है, नॉन फिज़िकल है, ठीक है, मतलब वायरलेस होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हों, फेसबुक से कम्युनिकेट करते हों, ये वायरलेस सिग्नल होते हैं, एक मीडियम होता है, इसके थ्रू हमारा मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचने का एक ज़रिया बनता है, ठीक है। और अब इसी तरीके से लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, मैं आसान वर्डिंग में आपको समझाते चलूँ, कि कोई एक तरीक़ाकार हो जिसके ज़रिए हमारा मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंच पाए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं फेसबुक या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे पहुंच पाए, वो नहीं पहुंच सकता क्योंकि प्रोटोकॉल डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम ने। प्रोटोकॉल ऐसे कवायद और जवाबित का मजमुआ होता है जो डेटा या पैगाम को भेजना और फिर उसे रिसीव करना, सेंड करना, रिसीव करना, उस तरीके को मुनज़्ज़म बनाना, ठीक है। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि भेजने वाला और हासिल करने वाला एक ही ज़बान में बात कर सकें और मालूमात दुरुस्त तरीके से मुंतकिल हो। ऐसे ये भी कह सकते हैं कि एक ही ऐप इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। अगर मैं एक ऐप पे मैसेज कर रहा हूँ ऐसे नहीं दूसरी ऐप पे वो चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारा जो कमाल होता है प्रोटोकॉल का होता है, उसे ही हमारे जो प्रोटोकॉल वगैरह चेक कर रहा होता है कि किस तरीके से हम मैसेज कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल का मकसद ये है कि मुख्तलिफ सिस्टम और डिवाइसेस के दरमियान डेटा को सेंड करना मुनज़्ज़म तरीके से और जो रिसीवर है उनको सही तरीके से वहाँ पहुँचाना, ठीक। ये यकीनी बनाता है कि पैगाम सही तरीके से इन कोड मुंतकिल और डी कोड किया जाए। अब इससे कुछ मिसालें भी आपको मैं बताते चलूँ। जब आप वेबसाइट देखते हैं तो आपका ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है ताकि वेब पेज के डेटा को सर्वर से हासिल किया जा सके और आपके कंप्यूटर पर दिखाया जा सके। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस होती हैं। इस तरीके से प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करता है क्योंकि ये डेटा की दुरुस्त और मौसर मुंतकली को यकीनी बनाता है और मुख्तलिफ सिस्टम्स और आलात के दरमियान हम आहंगी फराहम करता है, ठीक है। अब इस तरीके से मैं इसको पढ़ लूँ, आपको यकीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क। नेटवर्क के ज़रिए हम जो भी डेटा एक्सचेंज करते हैं उसको यकीनी बनाते हैं कि एक से दूसरी जगह पहुंचना, और प्रोसीजर मतलब एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए हमारा डेटा एक से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है। सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब जो सेंडर होता है भेजने वाला
और मालूमात हासिल करने वाला वो कुछ प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इन अदर वर्ड्स अ प्रोटोकॉल इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और वेंडर्स यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोटोकॉल हमारे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये चैप्टर लेक्चर नंबर 3 के बाद जो असाइनमेंट है ये है आपको, ये अगले जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको ये पढ़ना है और इसका मतलब इसका मकसद क्या है। ठीक है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास में फिर भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।